तो कुछ दिन पहले मैंने एक ऑयल सर्किट ब्रेकर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि एक ऑयल सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने बताया नहीं था कि ऑयल सर्किट ब्रेकर को कौन ऑपरेट करता है। मैंने सिर्फ ये बताया था कि ऑयल सर्किट ब्रेकर को एक रिले ऑपरेट करता है, लेकिन वो रिले कैसे काम करता है, जैसे ही हाई करंट फ्लो होता है या फिर शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है, उस रिले को कैसे पता चल जाता है और वो रिले कैसे इस ऑयल सर्किट ब्रेकर को ओपन कर देता है, वो कैसे काम होता है, वो मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखना। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये एक ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर से तीन वायर निकला है, आर निकला है, वाई निकला है एंड बी निकला है। ठीक है, हर एक फेज के लिए यहाँ पर अलग अलग ऑयल सर्किट ब्रेकर है। हम सिर्फ एक सर्किट ब्रेकर को समझेंगे। अगर आप एक समझ गए, तीनों का कंडीशन सेम है, तीनों सेम वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है, तो अगर आप एक समझ गए तो तीनों आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर जो वायर है, नॉर्मल कंडीशन में इस वायर से नॉर्मली करंट फ्लो होता है, लेकिन जैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, ये जो एम्पेयर, जितना एम्पेयर करंट फ्लो होगा उससे ज़्यादा एम्पेयर का करंट ये वायर में से फ्लो होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वायर है इस वायर के ऊपर एक सीटी लगा देंगे। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर। अब सीटी कैसे काम करता है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो वीडियो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर भी कैसे काम करता है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। अब ये सीटी डायरेक्ट कनेक्ट होता है रिले से। ठीक है, अब रिले के अंदर बहुत सारे कॉन्टैक्ट है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ कॉमन होगा सभी रिले के अंदर, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर वो रिले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर काम करता है तो इसके अंदर एक कॉयल होगा जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्रिएट होगा। वो कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। अगर इस डायग्राम को अगर समझ गए, ठीक है, तो रिले का फंक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक वायर डाल दिया है। ठीक है, आप ये वायर मान लो वो जो आपका ट्रांसफार्मर का वायर है सेम वायर है। ठीक है, अब इस वायर में से मान लो नॉर्मल कंडीशन में एक करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी मान लो 1 एम्पियर 2 एम्पियर कोई भी करंट इस वायर में से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब वायर के ऊपर देखो मैंने क्या लगा दिया है, एक सीटी लगा दिया है। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये जो बीच का देख रहा है आपको ये वाला, ये है आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब ये नॉर्मल कंडीशन में करंट इस वायर में से फ्लो हो रहा है, तो वो करंट क्या कर रहा है, इस सीटी के अंदर भी एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब सीटी के साथ यहाँ पर देखो एक कॉयल भी लगा है। ठीक है, अब एक कॉयल को ऑपरेट करने के लिए सीटी को थोड़ा सा ज़्यादा करंट चाहिए, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा करंट चाहिए। अब वो करंट तभी सीटी में इंड्यूस होगा जब इस वायर में से हाई करंट फ्लो होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट जैसे ही फ्लो होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट क्या करेगा, ये जो सीटी के अंदर का जो इंड्यूस ईएमएफ उसे बढ़ा देगा। ठीक है, अगर आप इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा तो ये सीटी देखो इस कॉयल के साथ क्लोज, मतलब क्लोज है। ठीक है, तो ये जो कॉयल है इस कॉयल के अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है, अगर इस कॉयल के अंदर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इस कॉयल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स वो भी ज़्यादा होगा। तो मान लो ये जो कॉयल का मतलब खींचने की पावर है वो बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो ये जो कंडक्टर है मतलब ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल को वो नीचे खींचेगा। ठीक है, अब जैसे ही नीचे खींचेगा ये इस बैटरी के, मतलब यहाँ पर एक सोर्स लगा है, यहाँ पर डीसी हो सकता है, एसी भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ही ये टर्मिनल नीचे आएगा तो क्या होगा, ये सर्किट फुल्ली क्लोज हो जाएगा। जैसे ही क्लोज हो जाएगा ये बैटरी से एक करंट फ्लो होगा, और वो करंट क्या करेगा, ये जो कॉयल है, यहाँ पर जो कॉयल है, पोटेंशियल जो कॉयल है, इस कॉयल को वो एनर्जाइज्ड कर देगा। जैसे ही एनर्जाइज्ड कर देगा ये जो टर्मिनल है, ठीक है, ये टर्मिनल को वो नीचे खींचेगा। जैसे ही नीचे खींचेगा वैसे ही ये जो सर्किट है ये ओपन हो जाएगा, और ऊपर वाला टर्मिनल से मतलब ऊपर वाला जो वायर से जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में रिले ऐसे ही ऑपरेट होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होता है। अगर हम रिले को खोलेंगे तो देखो यहाँ पर भी एक कॉयल लगा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, यहाँ पर भी एक कॉयल लगा है और वो कॉयल सीटी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही ये जो ट्रांसफार्मर का वो जो वायर है इस वायर में से जैसे ही शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा ना, तो क्या होगा, ये सीटी के अंदर उतना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर्स लगा है, इस कॉन्टैक्टर के अंदर भी ऐसे ही कॉयल लगा होता है। ठीक है,
इस कॉन्टैक्टर को क्या करेगा, ये ऑन कर देगा। जैसे ही ऑन कर देगा ये कॉन्टैक्टर क्या करेगा, यहाँ पर जो मतलब ये जो कॉयल है इस कॉयल को ये इनर्जाइज्ड कर देगा। जैसे ही इनर्जाइज्ड कर देगा ये क्या करेगा, यहाँ पर जो शैफ्ट लगा है ना, ये जो कॉयल के साथ मतलब ये कॉयल के साथ जो शैफ्ट लगा है इसे नीचे खींचेगा। जैसे ही नीचे खींचेगा ठीक है, तो क्या होगा, यही शैफ्ट डायरेक्ट कनेक्ट है कहाँ से, ऑयल सर्किट ब्रेकर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट है उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है। ये शैफ्ट नीचे जाएगा तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर का जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो भी नीचे चला जाएगा ठीक है। और जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्टर नीचे चला जाएगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा। तो यही है रिले का मेन फंक्शन, ऐसे ही रिले ऑपरेट होता है। आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले उठा लो, बहुत तरीके का रिले होता है, डिफरेंट डिफरेंट रिले डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है। ये भी एक रिले है और ये रिले ऐसे ही ऑपरेट होता है। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।